सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत धवल आकाश सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत धवल आकाश वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी निवाजी परम सत्कार योग गुरु का खास स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जीयां दी पावन निगी गोद अंदर सुभाए मान गुरु की प्यारी साध संगत जी आओ गुरु चरणा नाल लग के अपना जीवन सफल करन दा यतन करिए। गरीब नवाज धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी बख्शिश सदका रहमत दा सदका अज सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी दी अठवीं पौड़ी दी विचार सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बख्श रहे हन। भावना सहित सरवण करके राह प्राप्त करिए। प्रेम सहित आखो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ। गरीब नवाज धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जिस वेले साध संगत जी वरतारा वत्या सिद्धा नूं सतगुरु जी ने सारे सवाल जो उन्होंने कीते सन उन्हां दे जवाब दे दिते। कहन लगे सतगुरु सच्चे पातशाह सिद्धा ने फिर बेनती कीती कहिंदे गुरु जी एक बार एक कृपा कर दिओ। कहिंदे की महाराज? कहिंदे दसो भाई की चाहुंदे हो? कहिंदे महाराज ए श्रवण मनन निध्यासन दी क्रिया समझा दिओ। महाराज वाहिगुरु नूं सुनन तों की लाभ हुंदा है? महाराज मनन तों की फर्क पैंदा है? धारण करन तों की फर्क पैंदा है? तो इत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने चार पौड़ियां श्रवण दियां सुनन दा वाहिगुरु दे नाम नूं सुनन दा महात्म जिहड़ा है उह साध संगत जी दस्सिया है। सतगुरु जी दी पावन बाणी च आपां पिछे पंक्ति पढ़ के आए हां। गावीए सुनीए मन रखीए भाव वाहिगुरु नूं जिथे गाउणा चाहीदा है उथे उहदी वचना नूं उहदी बाणी नूं सुनना उह तों वी ज्यादा जरूरी है। हुण इत्थे चार पौड़ियां श्रवण ते सुनण ते गरीब नवाज जी बख्श रहे ने। श्रवण मनन ते निध्यासन ए तीन चीजां ने साध संगत जी। हुण श्रवण वालियां पंक्तियां च साहिब जी पहली पंक्ति च बख्शिश करदे सुणै सिद्ध पीर सुरनाथ। वाहिगुरु दे नाम नूं सुनने करके सुणै सिद्ध पीर सुरनाथ। वाहिगुरु दे नाम नूं सुनने करके ही सिद्ध हन। सिद्धा ने सवाल किया सी महाराज कहन लगे हे सिद्ध जनो जे अज तुसी सिद्ध बने हो तुहाडे कोल रिद्धियां सिद्धियां दियां ताकतां ने तां इह वाहिगुरु दे नाम नूं सुनने करके क्योंकि तुहाडा जिहड़ा सिद्धां दा गुरु होया उहने वी जिहड़ा है उह परमात्मा दे नाम तों सुनने तों ही इह सारी उहनूं दात मिली है कि उहनूं रिद्धियां सिद्धियां दी प्राप्ती होई है। जे सुनदा ना के परमात्मा दे नाम चो रिद्ध सिद्ध मिलदियां ते कदी तापी ना करदा जे उहने सुनिया ते बंदगी कीती ना तो इस तरह महाराज कहिंदे सुनन दा इह फायदा है सुनन दे नाल सिद्धा पुरशां दे विच वी गिणती आउंदी है जे तुसी सिद्ध बणे हो।
सतगुरु जी कह लगे पीर अगला वचन कर दे पीर जे इस्लाम धर्म दे पीर ने ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਸੁਰ ਕਹੀਏ ਦੇਵਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਥ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ तो साहिब जी बख्शिश कर दे भाई वाहिगुरु दे नाम नूं सुनने करके ही सिद्ध पीर ते स्वरनाथ सारा कुछ पैदा होया है। जे कोई वाहिगुरु दे नाम नूं सुनदा ना ना कोई देवता हुंदा ना कोई सिद्ध हुंदा ना कोई पीर हुंदा ते ना ही कोई विशंबर नाथ वर्गा नाथ हुंदा। जे विशंबर नाथ ने बंदगी करके अपने गुरु दी ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਲੀਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਉਹ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो इस प्रकार ये सारे जड़े हन वाहिगुरु दे नाम नूं सुनने करके हन। जे असी वाहिगुरु दे नाम नूं सुनदे आं तां महाराज कहिंदे सुनिया है फिर सुनन दे नाल सिद्धियां हो जाणगियां। साडे कोल सिद्ध पाव साडे वल्लों कीता होया हर कर्म सिद्ध होवेगा। साध संगत जी वाहिगुरु दे नाम नूं सुनने करके पीर ਸੁਰ ਤੇ ਨਾਥ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਵਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲਿਆ ਕਾਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਧਵਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਵਲ ਇੱਕ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸ਼੍ਰਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਿੱਤ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪੁਨੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। 3 ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਨੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੁਨੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੁਨੀਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧੌਲ ਹੈ, ਧਵਲ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਵੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋਆ ਪਾਤਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਪ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੀਪ ਹਨ,
लोक पाताल किन्निया किन्निया जिवे 14 लोक लो दा अर्थ है लोक सत संगत जी एवे सत पताल ते सत आकाश गुरबाणी दे दसम बाणी च महाराज ने सातो आकाश सातो पाताल मन्निया है वचन कीता है गरीब नवाज कलगी धरदियां ने तो ये सारा कुछ वाहिगुरु दे सुनने करके साख्यात हो जाता है प्रतख हो जाता है। तो साध संगत जी इस तरह वाहिगुरु दे नाम नूं सुनने करके ध्याउणे करके दीप लो पाताल इन्हां सारयां दी साख्यातता प्रतखता हो जांदी है। सुनिया कोहि न सकै काल वाहिगुरु दा नाम सुनन वालियां नूं साध संगत जी काल नाम मौत दा भी है काल नाम समय दा भी है काल नाम साध संगत जी ओ होनी दा भी है जड़ी जीव नू जड़ी इंसान नू पापा वाले बन्ने तक दी है। जड़ा वाहिगुरु दे नाम नू सुनदा है सुनने करके ओदे कोल इतनी बरकत आ जांदी है ए सारिया चीजा ओदे तो परे हो जांदियां ए पो नहीं सकदियां। जिवें साध संगत जी संसारी जीव वाहिगुरु दे नाम नू सुनदे नहीं मनदे नहीं निध्यासन नहीं करदे ते ओ सोचदे ने कि असीं ऐदां ही जिंदगी नूं सुखैन कट लईए तां साध संगत जी उहनां नूं काल सताउंदा है फिर उहनां नूं मौत जदों आउंदी है ते साध संगत जी कलयुग तंग करदा है जिउंदे जी समें दी मार पैंदी है। दो चीजां ने जिउंदे जी समां ते मौत वेले काल कलयुग साध संगत जी मौत नाम ही काल दा ही है। तो साध संगत जी जेडे गुरमुख ने उहनां नूं जेडे नाम सुनदे ने बाणी पढ़दे ने उहनां दी मौत नहीं हुंदी। हुण इह ना कह सोचण वाले कहण भी सारे ते मर गए ने जिन्हां नूं तुसीं नाम जपण वाले मनदे हो। साध संगत जी मौत तीन प्रकार दी विद्वान जन दसदे ने एक मौत है जिहड़ी असीं आम मरदे हां दूजी मौत है साध संगत जी जेड़ी ज्योंदे जी अपने आप नूं वाहिगुरु च अभेदता वाली मौत ते तीजी मौत साध संगत जी अणख तों गैरत तों गिर जाना। जेड़े ज्योंदे जी अपने आप नूं मार लैंदे ने ओह सदीव वास्ते अमर हो जांदे ने। साध संगत जी पावन बाणी च आपां इह सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा शब्द पढ़दे हां जन पर उपकारी जन्म मरण दोहू मैं नाही जन पर उपकारी आए ओह जन्म मरण तो रहत हुंदे ने जिहड़े पर उपकार वास्ते धरती ते जन आउंदे ने। तो साध संगत जी ओह सिमरन भजन दे नाल मरदे नहीं जिवें होर प्रमाण समझण वास्ते कि बंदा मरदा किवें नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल जेड़ी चीज पैदा हो गई है वो आज जा कल नाश होवेगी। जन्मं ता मरण है जेड़ा जम पिया उन्हें मरना जरूर है पर सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे सारा कुछ नाशवंत है तीन चीजा नाश नहीं होणगियां केड़ियां केड़ियां सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे सारी धरती सृष्टि नाश हो जावेगी पर तीन चीजा नाश नहीं होणगियां केड़ियां नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद एक ते वाहिगुरु दा नाम नहीं नाश होने वाला दूजा नाम नु जपण वाले साधु नाश नहीं होणगे ते तीजा परमात्मा साध संगत जी जेड़ा सृष्टि ते नाम सुनन मनन दे अध्यासन करन लग जांदा है ओ सदीव जिउंदा हो जांदा है। जेड़े गुरमुख अज भी साडे विच शरीर करके नहीं ने अज श्रीमान महापुरख शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी दे पावन यादगारी स्थान ते आप जुड़े हो कि इस स्थान ते आपां सजे हां इह स्थान उहनां दे नाम ते किवें बणिया क्यों है बाबे गुरबख्श सिंह दे नां ते ही बणिया क्यों क्योंकि ओह सदीव जिउंदे हन भावें ओह इस स्थान ते नहीं भी पहुंचे उहनां दी याद च क्यों बणाया होर इन्ने बंदे मर गए मेरे दादा मर गया परदादा मर गया अपणियां ते नां ते असीं क्यों नहीं बना ले किसे ने नहीं आउणा इत्थे मत्था टेकण कोई नहीं याद करेगा उहनां नूं
जिन्हां ने नाम नहीं जपिया, साडे दादियां पड़दादियां नूं याद करन वाला कोई नहीं है, पीढ़ियां वधाउण दी सोच रहे हैं, नाम जिन्हां ने जपिया, जिन्हां बाणी पढ़ी है, जिन्हां सिमरन कीता है, कुर्बानियां कीतियां ने, उह सदीव जिउंदे हन। कहांगे कि शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी महापुरख साडे विच नहीं ने, कहांगे बाबा दीप सिंह साडे विच जिउंदे नहीं ने, सत संगत जी उहनां दा नाम जिउंदा है। पीढ़ी दर पीढ़ी संत जरनैल सिंह तक 14 पीढ़ी संत बाबा दीप सिंह जी महापुरखां दीआं ने, दूजे बाबा गुरबख्श सिंह जी ने, सारिआं दी इतिहास समेत असीं सारी जिहड़ी व्याख्या कर सकदे हां, पर साडे जे बजुर्गां आपणिआं दी गल करिए ते तीजी चौथी पीढ़ी महां जा के सुझदी है, नाम वी नहीं पता हुंदा। तो जिहड़े नाम जपदे ने साध संगत जी, उहनां नूं काल नहीं पोह सकदा, जेड़े वाहिगुरु की बाणी पढ़ते सुनते सुने पोहे न सके काल, उन्होंने काल नहीं पौंदा। नानक भगता सदा विगास, इस तरह भाई जेड़े वाहिगुरु के प्यार करने वाले ने उन्होंने हिरदे चो सदा ही खुश रहिंदा है, विकसदा रहिंदा है, खिड़िया रहिंदा है। सुने दुख पाप का नास, वाहिगुरु दे नाम नूं सुनने करके दुखां दा पापां दा नाश हो जांदा, ए चीजां खत्म हो जांदियां, साडे शरीरक दुख आत्मिक दुख सारे खत्म हो जांदे गरीब नवाज जी कृपा करन। ए विचार साडे हिरदियां च वस जाण, लोक सुखीए परलोक सुहेला होवे, संगत दे चरण परसदियां होईआं भुल्लां दी खिमा गुरु अते गुरु की संगत बख्शण जोग है बख्श लैणा। दो पंक्तियां पढ़ के समाप्ति है, देहो सज्जन असीसड़िया ज्यो होवै साहिब स्यो मेल, सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनै धरत धवल आकाश, सुनै दीप लो पाताल, सुनै पोहि न सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।